मानना पड़ेगा भाई कचौड़ी वाले का कहर। चलवा छोटे लाल कचौड़ी वाला मोबाइल नंबर तक लिख रखा है इसने एड्रेस पे। इतनी ज़बरदस्त भीड़ तो मैंने कहीं नहीं देखी। मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो? स्वागत है एक और नए व्लॉग में। देख सकते हो सुबह सुबह नहा धो के तैयार ग्वालियर के अंदर हूँ मैं। और देखो वो उधर लिखा हुआ दिख भी रहा होगा ग्वालियर नगर निगम का, वो देखो ठीक है ना। और बारिश हो रखी है भाई पूरी रात से, और कल से कल भी पूरा दिन ज़बरदस्त हुई अपनी यहाँ पर बारिश जो हुई है बहुत ही ज़बरदस्त हुई है। गाड़ी देखो वो खड़ी है I-20 अपनी, वहाँ पर जाना है। और बारिश हो रखी है ज़बरदस्त, क्योंकि भाई बहुत टाइम हो गया वेट करते करते बारिश का। बंद हो जाए बंद हो जाए, बंद नहीं होगी, हैवी अलर्ट का मैसेज दे रखा है पूरा। तो भाई बारिश तो ऐसे ही रहने वाली है। अब चलते हैं, भाग के चाहूँगा, भाग के अनलॉक कर देता हूँ इसको पहले से, भाग के कूद के चलाऊंगा। भाई साहब भीड़ देखो ज़बरदस्त, छोटे लाल कचौड़ी वाले एक नंबर भीड़। यहाँ पे ग्वालियर और बारिश में भी भीड़ इतनी ज़बरदस्त हो रखी है, देखते हैं। मानना पड़ेगा कचौड़ी वाले का भी अपने आप में जलवा है। और ये जो इसका पता है पाटनकर चौराया है जो जगह है जिस पे, अभी तो थोड़ी सी कम हो गई इसकी भीड़। और जब मैं आया था ना, जब इतनी ज़बरदस्त भीड़ थी यहाँ रोड पे, गाड़ी खड़ी करने का भी जगह नहीं मिल रही थी। और जेंट्स तो जेंट्स, यहाँ लेडीज़ लड़कियाँ तक भी भीग के कचौड़ी खाने के लिए आ रखी हैं। और अभी भी दिख रही होगी, एक तो दिख ही रही है, बहुत सारी थी पहले यहाँ पे चले गई, भीग रखी थी, फूल भीग रखी थी भाई। और ये देख सकते हो यहाँ का चोपला, इस तरीके का चोपला है ये, और बहुत ही ज़बरदस्त भीड़ देखने के लिए थी। देखना पड़ेगा भाई कैसा क्या है यहाँ पर टेस्ट। इतनी भीड़ है खाने का मौका नहीं लग रहा, मैं तो पैक करा लाया, पैक कर लाया, खा के चलते हैं फिर। देख लो इस अंडरपास में भी फिर से भरा हुआ है पानी, थोड़ा सा ही है लेकिन इसमें तो इतना ज़्यादा नहीं है। रेलवे ट्रैक के ऊपर ग्वालियर जस्ट अभी भी छोड़ दिया हमने। ये जो पहाड़ पुड़ देख के है ना, फीलिंग जो आ रही है बिल्कुल राजस्थान वाली सी आ रखी है। ऐसे जैसे निकले इधर रेलवे ट्रैक से निवराना में, बड़ा बड़ा सा निकल गया, खाली खाली ज़मीनें, पथरीली एरिया और पहाड़ पुड़ तो है ही। ये इन्होंने तानसेन द्वार बनाया हुआ था, तानसेन गेट जो है ग्वालियर में एंट्री के लिए काफ़ी बड़ा बनाया है। ज़्यादातर शहरों में गेट होते ही हैं, पहाड़ वैसे हरे भरे हो रखे हैं बारिश से। और देख लो पूरा अच्छा वाला व्यू है, ज़बरदस्त पहाड़ और हाईवे, ज़बरदस्त लाइनें जो है आधे आधे खंभे तो घास उसमें दबे हुए हैं पूरे पेड़ों में, देख सकते हो। और अच्छा में इधर एक महल है, बहुत ज़बरदस्त महल, और इधर भी एक मंदिर सा है। ज़बरदस्त भीड़ है ओरछा के अंदर देखने को, देख सकते हो ये दिख रहा महल, कितना बड़ा महल है, बहुत तगड़ा महल है ओरछा के अंदर। और इधर की तरफ और एक मंदिर सा, बहुत ज़बरदस्त भीड़ देखने के लिए। बेतवा नदी का नाम तो सुना ही होगा दोस्तों, वो नदी ये है जो बेतवा नदी है ओरछा बोट क्लब। देखो कितना बड़ी नदी है, इधर देख सकते हो बहुत बड़ी नदी है। और देखो इधर भी एक महल से चमक रहा है आपको, देख सकते हो भाई काफी बड़ा प्यारा व्यू। और देख सकते हो कितना बड़ा महल है। तो ये ओरछा का कुछ जंगल इस तरीके का है, इसकी बाउंड्री कर रखी है इन्होंने तारों से, ऊंचे नीचे पहाड़ियों के अंदर है ये, बहुत ही प्यारा जंगल है देख सकते हो। इसमें छोटी मोटी नदी पदी के रूप में, और सारे पेड़ एक जैसे हैं, हरे भरे पेड़ हैं, बिल्कुल हरे भरे, बिल्कुल अलग ही लेवल का, नेक्स्ट लेवल का चाहिए। और देख लो भाई ये आ चुकी है जामनी नदी, ये भी काफ़ी बड़ी नदी है, खाली खाली एरिया चमक रहा है इसका भी, बहुत ही बड़ी नदी है। और सामने देख सकते हो
काफ़ी लंबा चौड़ा पुल है इसका। तो देख सकते हो यहाँ पे भी एक महल है। और ये कौन सी जगह है? टीकमगढ़ है। और यहाँ पे देखो कितना बड़ा महल चमक रहा है सामने, पता नहीं कौन सा किला है। देखो कितना बड़ा किला है दोस्तों, बहुत ही बड़ा किला चमक रहा है।